हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. माई सेल्फ अमरीश शर्मा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा. टूडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर सिस्टम. यस, इंट्रोडक्शन. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म्स टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम. वॉट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो पहले से प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स को यूज करती है. टू परफॉर्म द टास्क अ कंप्यूटर फॉलोज थ्री फेज नॉन एज इनपुट प्रोसेस और आउटपुट. कंप्यूटर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए थ्री फेज यूज करता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. नाउ द डेटा विच इज एंटर इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. डेटा जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट होता है, या सपोज हमने कोई नंबर एंटर किया तो वो क्या होगा? इट इज कॉल्ड इनपुट. द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड प्रोसेस. डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो क्या होगा? प्रोसेस. एंड लास्ट द रिजल्ट ऑफ द डेटा इज कॉल्ड आउटपुट. अब हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो कुछ रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट किस में शो होगा? आउटपुट में. ठीक है, जैसे सपोज ये शो रहा है आपको यहाँ पर, तो ये क्या है? आउटपुट. ये प्रोजेक्टर का क्या है? आउटपुट आ रहा है प्रोजेक्टर पे. नाउ टू परफॉर्म दीज फंक्शन इट मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ वी विल डिस्कस हार्डवेयर. All the components of a computer that you can touch and see are called hardware. Computer के वो सभी part जिन्हें आप क्या कर सकते हैं? Touch कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी part क्या कहलाते हैं? Hardware कहलाते हैं. ठीक है, For example, monitor, keyboard, mouse, all of hardware. Okay? Now, the hardware can be classified into the following categories: input devices, process device, processing device, output devices and storage devices. Now we will discuss one by one. First, input devices. The input devices are used to feed the data into the computer system. The various input devices are keyboard, mouse, joystick, trackball, webcam, एक्सेट्रा. कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए जिस डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है वो सब क्या बोलते हैं? उन्हें इनपुट डिवाइसेस. लाइक सी, ये क्या है? कीबोर्ड. ठीक है, आप सबने देखा हुआ है, सब फैमिलियर है. इट इज दिस इज माउस. ठीक है, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस. The CPU is a processing device. What is the full form of CPU? Central Processing Unit. Okay. It is called brain of the computer. तो CPU सबसे important part है किसका? Computer का. जैसे human body में सबसे important part क्या होता है? Brain. Just like CPU के अंदर सबसे CPU जो है computer का सबसे important part है, जिसको हम क्या बोलते हैं? Brain of the computer. It is responsible to process the input data. It consists of arithmetic and logical unit, control unit and memory unit. ठीक है, CPU के पार्ट हैं ALU, CU control unit and MU memory unit. ALU is called arithmetic and logical unit. Arithmetic means all operation like addition, subtraction, ठीक है, multiplication etc. ये सारे operation किस में perform होंगे? ALU में, arithmetic and logical unit में. नेक्स्ट CU इज कंट्रोल यूनिट. मीन्स पूरे सिस्टम को, पूरे कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल यूनिट. सपोज इनपुट से डेटा इनपुट हो रहा है, इनपुट डिवाइसेस से प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होके जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है उन सबको कौन करेगा मैनेज? कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट MU मीन्स मेमोरी यूनिट. अब सपोज रिजल्ट आया, रिजल्ट को हमें क्या करना है? स्टोर करना होगा, क्योंकि हमें फ्यूचर में हो सकता है उस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट हो. तो उस वो सारा रिजल्ट जो होगा कहाँ स्टोर होगा? MU में, मेमोरी यूनिट में.
Now next is output devices. Output devices produce result after the data processing. The various output device are monitor, projector, printer, speaker, etc. जो भी result है उस result को किसी ना किसी device पे show कर रहा होगा. तो result को हम जिस device पे show करते हैं वो सभी device क्या होती है? Output devices. Just like example, monitor and printer. Monitor and printer पे क्या करते हैं? हमारा output show कराते हैं. प्रोजेक्टर, ये आप देख रहे हैं तो ये क्या है? प्रोजेक्टर है. और ये क्या है? एक आउटपुट है जो आपको शो हो रहा है प्रोजेक्टर के ऊपर. ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल. नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइसेस. द स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन. स्टोरेज डिवाइसेस का यूज हम किस लिए करते हैं? हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए. ठीक है, अ टेम्परेरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द रैम. जो टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में स्टोर होगी? रैम में. और फुल फॉर्म ऑफ द रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. वेयर इज अ परमानेंट इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन द रोम. और जो परमानेंट इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर होगी? आपकी रोम में. और फुल फॉर्म इज द रैम. रोम इज रीड ओनली मेमोरी. द रैम एंड रोम आर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी. रैम और रोम दोनों को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेमोरी of the computer. The information is also stored in the secondary memory like hard disk, CD drive, pen drive, etc. अब suppose आपने जो work कर रहे हो वो कहाँ store होता है? Suppose मैंने MS Office या MS Word open किया और एक application उसमें मैंने type किया, तो मेरी जो application है वो temporary store है. मेरी जो application है वो क्या है? Temporary store हो रही है. किसमें? RAM में. रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी. और जैसे ही मैंने उसमें सेव पे क्लिक किया तो सारा डेटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क में. एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेज इज पेन ड्राइव एंड सीडी ड्राइव. नाउ वी विल डिस्कस सॉफ्टवेयर. अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ लॉजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. हार्डवेयर जैसे फिजिकल पार्ट था, सॉफ्टवेयर क्या है? एक लॉजिकल पार्ट है. इसको हम क्या कर सकते हैं? ओनली टच तो नहीं होगा, क्यों? आपको बताया कि हार्डवेयर को तो हमने टच कर लिया था, सॉफ्टवेयर टच नहीं होता. ओनली सी उसको देख सकते हैं. और ये क्या होता है? इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ वी विल डिस्कस सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर हार्डवेयर का. विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोल सकते हैं. उस बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम सिस्टम को या कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते. इट हेल्प्स द यूज़र टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब वॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? An operating system is a software that controls the overall activity of the computer system. Operating system क्या करता है? Overall activities means suppose hardware है आपका CPU. CPU से क्या connect है आपका? Keyboard, mouse. तो ये connect तो है physically, पर इनको operate कौन करेगा? Operating system. इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ये क्या करेगा? एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा किसके बीच में? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के लिए हार्डवेयर क्या है? बेकार है, यूजफुल नहीं है, यूजलेस है. द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम: मैनेजेस द सिस्टम रिसोर्सेज, कंट्रोल्स the transfer of data to and from various peripherals. Peripherals means होता है devices. तो जितनी भी devices आपके CPU से या computer में जितनी भी devices है like monitor, printer, mouse, ये सबको कौन control करेगा? Operating system. Manage the system security and performance. और जो भी security है system की security और performance वो भी कौन handle करता है? Operating system.
यूज़र इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से. जस्ट अपोजिट होगा, हार्डवेयर किस से इंटरेक्ट करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से. ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस से इंटरेक्ट करेगा? यूज़र से. तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर यूज़र से इंटरेक्ट नहीं कर सकता. ओके, नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूजर टू एक्सेस द डेटा और टू वर्क ऑन एन एप्लीकेशन एट अ टाइम. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में वन टाइम में, सिंगल टाइम में सिंगल यूजर ही क्या कर सकता है? डेटा को एक्सेस कर सकता है. डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज डॉस. सेकेंड इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ सेवरल यूजर टू एक्सेस द सेम डेटा एट द सेम टाइम. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल सा. यूनिक्स एंड लाइनक्स आर द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. अब आप बोलेंगे कि सर एक टाइम में, सिंगल टाइम में सिंगल डेटा और मल्टीपल यूज़र कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो एक जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल है. सपोज़ हमारे स्कूल की वेबसाइट है, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप हमारी स्कूल की एक वेबसाइट है. सिंगल टाइम पे एक ही वेबसाइट है, सेम डाटा है, और मल्टीपल यूज़र उसको क्या करते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं उसको देख रहे हैं. तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का. नेक्स्ट इज मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. टास्क मीन्स वर्क. मल्टी टास्किंग is the ability of the computer to run two or more application at the same time. Multitasking operating system का example है Windows. Suppose आप work कर रहे हैं Windows पे, आपने computer पे, आपने MS Office open किया, MS Office में MS Word आपने open किया और उसमें आप application type कर रहे हैं. Same time पे आप क्या कर रहे हैं? Music भी सुन रहे हैं और एक file आपने downloading भी कर रखी है. download हो रहा है मतलब internet से आपका data download हो रहा है आपके system के अंदर. तो single time में आप क्या कर रहे हैं? 3 tasks कर रहे हैं. तो इसको क्या बोलते हैं? Multitasking operating system. Yes, next topic is utility software. Utility software is a system software that improves the operations of an operating system by providing additional and specialized function to it. Utility software, operating system, operating जो आपका software है उसका एक part होता है. Suppose, for example, some of the popular utilities are as follows: backup utility and antivirus. Antivirus से सभी student familiar हैं कि एंटीवायरस, व्हाट इज एंटीवायरस? जो बैड प्रोग्राम्स होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर आ जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं. बैकअप यूटिलिटी, बैकअप मीन्स जो आपकी मास्टर कॉपी है, जो आपका डेटा है, सेम एज इट इज़ डेटा की क्या होती है? कॉपी हो जाती है एक नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट ड्राइव में. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको. आपकी नोटबुक है, आपकी नोटबुक में आपके नोट्स बनाते हो आप, उस नोटबुक का आपने क्या कर लिया? जेरोक्स करा लिया. तो आपके पास में क्या हो गया? जो मास्टर कॉपी है वो तो क्या हो गया? आपकी ओरिजिनल नोटबुक. और जो जेरोक्स है वो क्या हो गया? उसका जस्ट लाइक अ बैकअप. जैसे ही आपका ओरिजिनल कॉपी लॉस्ट होता है, आप किसको यूज़ कर सकते हो उस जगह पर? उसकी बैकअप कॉपी को. ठीक है, तो ये वर्क कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म operations for a specific task. Application software are mainly of two types: packages and customized software. So application software particular किसी user को कोई भी task perform करने के लिए use में लिया जाता है. अब हम first देखते हैं packages. There are some general purpose application software developed for user to perform specific tasks based on their requirement. Such software are called packages. ठीक है, packages क्या होता है? Multiple user के लिए, सबको use करने के लिए जो software बने हुए हैं वो कौन से हैं? Packages. जैसे word processing software, MS Word जिसे हम बोलते हैं MS Word. तो आप लोग MS Word use करते हैं, general purpose software है. ये नहीं इस particular को एक single user होगा वो उसको use करेगा, हर एक यूज़र, हर एक स्टूडेंट इसको यूज़ कर सकता है. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यदि आपको MS Word कैलकुलेशन का कोई वर्क करना है, टेबुलर कोई वर्क करना है,
तो उसके लिए आप यूज़ करोगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट MS Excel। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर PPT जो आप बनाते हैं, पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स बनाते हैं, वो सब किसका पैकेज है, किस पैकेजेस में आता है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, लार्ज अमाउंट डेटा आपको स्टोर करना है, आप किसका यूज़ करेंगे? DBMS का। ओके, नाउ नेक्स्ट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज मेड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब सपोज कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो सॉफ्टवेयर है, वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नहीं है। उसको हर स्टूडेंट या जनरल पर्पस कोई भी पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। वो कहाँ पर यूज़ होगा? ओनली लाइब्रेरी में। या बस रिजर्वेशन सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ये सब क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट 0 to 9 विद द बेस 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में आप 0 to 9 नंबर यूज़ करेंगे और उसका बेस क्या होगा? 10। बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर कैन ओनली रीड इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी कोड। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्मेट में ही क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, 0101 फॉर्मेट में, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 digits 0 and 1। ये क्या करेगी? 2 digit कंसिस्ट करती है 0 and 1, और उसका बेस क्या है? 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम। द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 digits 0 to 7। तो 0 to 7 कौन कंसिस्ट करता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसका बेस कितना होता है? 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 digit 0 to 15 विद द बेस ऑफ 16। ओके, थैंक यू।